हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों आज का जो क्लास होगा इसमें हम एक न्यू सीरीज लेकर के आ गए हैं फिर से, और ये जो सीरीज होगा ये जो है सो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, और VVI जो भी प्रश्न है, ठीक है, MCQ VVI जो भी प्रश्न है वो सारे को हम लोग जो है ये वाला सीरीज में कम्प्लीट करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम लगभग आपको 150 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब कि अगर हम सेट का बात करें तो आपको सेट नंबर 15 तक जो है सो ये क्लास से चलेगा, यानी कि 15 दिन जो है सो आपका क्लास ये रेगुलर चलने वाला है, बस संडे को जो है सो क्लासेज आपका नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 1, और आप अगर एग्जाम देने वाले हैं 2021 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 11th का, तो आपको जो है ये वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि अब जो है आपका 11th में जो एग्जाम होता है वो MCQ के फॉर्म में ही आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और इसी तरह का आपका जो है 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और टोटल 100 नंबर का होता है, 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और देखते हैं आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो ये कहता है कि भारत में प्रत्येक, उसके बाद खाली स्थान है, वर्ष में जनगणना की जाती है। पूछा है कि भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में जनगणना की जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 1 वर्ष। तो दोस्तों आपको मालूम हुआ कि प्रत्येक वर्ष जो है भारत में जो जनगणना होता है ये होता है 10 वर्षों में होता है, और जो पिछला बार जनगणना हुआ था हमारे देश में वो कब हुआ था, वो हुआ था 2011 में हुआ था, और अब कब होगा तो 2021 में होगा, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना किया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो मध्यिका है, मध्यिका यानी कि मीडियन, आंकड़ों को खाली स्थान बराबर भागों में बांटता है। पूछा है कि जो मीडियन है ये आंकड़ों को खाली स्थान बराबर भागों में बांटता है, 2 भाग में, 1 भाग में, 4 भाग में या फिर 3 भाग में, बताना है दोस्तों कि क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों जो मीडियन होता है मध्यिका यानी कि ये जो है सो 2 भागों में बांटता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 भाग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 मीडियन के बारे में। पूछा है कि ये जो है कोई भी गिवन जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको कितने भागों में डिवाइड करता है ये पूछा है, ठीक है। तो इसको जो है 2 यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करता है, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो की है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं। पूछा है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रदर्शक, बी है गणनाकार, सी है व्याख्याता, ठीक है ऑपरेटर, व्याख्याता मतलब कि व्याख्या, किसी के बारे में व्याख्या करने का, ठीक है। और यहाँ पे आंकड़ा संग्रह करने वाले के बारे में पूछा है, तो आंकड़ा संग्रह करना यानी कि आंकड़ा का गणना करना, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ये वाला बी, प्रदर्शक यानी कि किसी भी चीज का प्रदर्शन करना, ठीक है। गणनाकार यानी कि कोई भी आंकड़ा के बारे में, गणना किससे संबंधित है, गणना गिनना, गणना का मतलब हो गया गिनना, तो आंकड़ा से संबंधित है, आंकड़ा को ही हम लोग काउंट करेंगे गिनेंगे। व्याख्याता, व्याख्याता ऑपरेटर, ऑपरेटर तो कुछ भी मतलब कि जैसे कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि ऑपरेट करने वाले को हम लोग ऑपरेटर बोलेंगे, इसी प्रकार से कोई भी वैसा मतलब कि उपकरण है उसको ऑपरेट करने वाले को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। उसी प्रकार से व्याख्याता हम लोग बोलते हैं, प्रोफेसर को भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेक्चरर को। इसके बाद दोस्तों आ जाता है मेरा 4 नंबर जो कि दिया गया है, वर्ग अंतराल 70 से 80 के मध्य बिंदु ज्ञात करें। पूछा है यहाँ पे कि वर्ग अंतराल दिया है 70 से 80, इसके बीच में आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है 70, फिर आपका दिया है 75, सी है 80 और ऑप्शन डी दिया गया है 85। तो दोस्तों ये तो आपको भी मालूम होगा कि यहाँ पे 70 और 80 के बीच में क्या आएगा, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा,
70 और 80 के मध्य में, तो 75 नहीं आएगा तो 75 ही यहाँ पे हो जाएगा। ये तो आप लोग कर लीजिएगा, आसान है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समांकों को कहते हैं। कहता है यहाँ पे कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित यानी कि जो जमा की गई समांकों को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक और ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है प्राथमिक, तो आपको इसी पे टिक लगा देना है। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समांतर माध्य का सूत्र बताना है कि क्या होगा, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। देख सकते हैं ए नंबर में दिया गया एन स्क्वायर और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स, ठीक है, समेशन इसको सम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और बी है आपका समेशन ऑफ एक्स प्लस एन, सी है समेशन ऑफ एक्स और नीचे में है एन, ऑप्शन डी है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे में है एन। तो बताना है कि माध्य, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, ये होता है सम ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा सम ऑफ एक्स अपॉन एन, आसान है। तो ये वाला को याद रखिए, अगर यहाँ पे आपको डाटा गिवन है कहेगा कि समांतर माध्य ज्ञात करें तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। पूछा है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, परास, बहुलक, परमाप विचलन या नन। परास का मतलब होता है दोस्तों रेंज, बहुलक का मतलब मोड हो गया, परमाप विचलन का मतलब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कुछ कुछ का यहाँ पे इंग्लिश इजी होता है और हिंदी हार्ड होता है, तो हम वहां पे आपको प्रयास करेंगे कि समझा दें, ठीक है। तो बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन है जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बहुलक, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड, ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं। सांख्यिकी मतलब हो गया एस्टेटिक्स, ठीक है, तो एस्टेटिक्स के फादर किसको हम लोग कहते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है और इसको आपको बताना है नाम कि किसे कहा जाता है एस्टेटिक्स का फादर। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है गॉटफ्राइड आकेनवाल, ऑप्शन सी है मार्शल और डी नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो सही होगा 8 नंबर का वो होगा आपका गॉटफ्राइड आकेनवाल, यानी कि जो बी होगा यही सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। पूछा है कि कोई भी ग्राफ पेपर में कितना चरण होता है, 1, 2, 3 या फिर 4। चार ऑप्शन दिया गया है, एक है, दो है, तीन है और चार है, देख सकते हैं चार ऑप्शन यहाँ पे आपका गिवन है दोस्तों। तो बताना है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों कोई भी जो ग्राफ पेपर होता है उसमें टोटल कितना होता है चरण, तो टोटल इसमें 4 चरण होता है, 4, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपका क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचनांक, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्माण करने का सूत्र क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचनांक, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस और इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ये वाला जो होता है ना, ठीक है, समेशन ऑफ P1 और Q0, नीचे में है समेशन ऑफ Q0 और P0 और Q0 है, ठीक है। तो इसी को याद रखना है इनटू यहाँ पे 100, तो ये होता है उपभोक्ता प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो आई होप आप लोग जो है सो याद रखिएगा। यहाँ पे आज हम लोग दो फॉर्मूला को देखे हैं और
अगर आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स है तो इसमें कुछ कुछ आपका पूछ सकता है, मीन मीडियन मोड से कुछ कुछ आपका स्टैटिक्स से आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ये सबको आप लोग देखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपका जो है यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुलक भी निकालने के लिए दे देगा, ठीक है। तो ये सब चीज भी आप लोग जो है सो देख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में ही पूछेगा, लेकिन आपको जो है वो सब चीज को भी देख लेना है। तो आई होप दोस्तों हम भी प्रयास करेंगे कि एक दो सेट में आपको जो है सो उस तरह का भी क्वेश्चन लेकर के हम आपके बीच आ सकें। और दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।